दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैवल कंपनियों में शुमार थॉमस कुक अब बंद हो गई है। 178 साल पुरानी ब्रिटिश टूर ऑपरेटर लंबे समय से फंड की कमी से जूझ रही थी। कंपनी ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि कंपनी को बंद करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। कंपनी के बंद होने से 22,000 लोगों की नौकरियों पर संकट मंडरा रहा है, जिनमें से 9,000 कर्मचारी ब्रिटेन के हैं। कंपनी के बंद होने से न सिर्फ कर्मचारी बल्कि ग्राहक, सप्लायर और कंपनी के पार्टनर भी प्रभावित होंगे। करीब 1,50,000 से अधिक ग्राहक टूर में फंस गए हैं। इसलिए थॉमस कुक के चीफ एग्जीक्यूटिव पीटर फैक हॉजर ने ग्राहकों, सप्लायर्स, कर्मचारी और पार्टनर से माफी मांगी है। मामले में यूके के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा है कि 23 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक रेगुलेटर और सरकार 1,50,000 से अधिक ब्रिटिश ग्राहकों को घर वापस लाने के लिए मिलकर काम करेंगे। CAA ने ट्वीट कर बताया कि सभी बुकिंग्स रद्द कर दी गई हैं। दुनिया की सबसे पुरानी ट्रैवल कंपनी लंबे समय से फंड की कमी से जूझ रही थी और बैंकों की एक समिति ने अतिरिक्त फंड की उसकी मांग पर फैसला रोक दिया था। पिछले महीने अगस्त में थॉमस कुक ने रिकैपिटलाइजेशन से जुड़ी योजना को लेकर चीन की शेयर होल्डर फोसुन के साथ एक सौदे की प्रमुख शर्तों पर सहमति जताई थी। यह सौदा 1.1 अरब डॉलर का था। इतना ही नहीं, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ने भी कंपनी को झटका दिया था। बैंक के एक प्रवक्ता ने कहा था कि कंपनी के 20 करोड़ पाउंड के अतिरिक्त फंड की मांग को चिन्हित नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि RBS पिछले कई वर्षों से कंपनी को मदद उपलब्ध कराता रहा है। चलिए आपको बताते हैं कैसे शुरू हुआ था थॉमस कुक कंपनी का सफर। 1845 में थॉमस कुक ने अपने ही नाम से इस कंपनी की शुरुआत की थी। 1808 में लंदन के मेलबोर्न में जन्मे थॉमस ने गरीबी की वजह से 10 साल की उम्र में बगीचे में काम करना शुरू कर दिया था और उन्हें इसके लिए सिर्फ दिन में एक पैनी मिलती थी। 1826 में थॉमस ईसाई धर्मगुरु के साथ दूसरे शहरों में प्रचार के लिए जाने लगे। इसके लिए उन्हें मीलों चलना पड़ता था और कम पैसा हाथ लगता था। मोमबत्ती और तेल बचाने के लिए वो अंधेरे में काम किया करते थे। थॉमस ने लोगों में विश्वास और संयम जगाने के लिए पहली यात्रा का बंदोबस्त 1841 में किया। वे खास ट्रेन में करीब 500 लोगों को लिसेस्टर से लाफब्रो ले गए थे। सिर्फ एक शिलिंग में यात्रियों के लिए ट्रेन ट्रिप, मनोरंजन के लिए बैंड, दोपहर की चाय और खाना बुरा सौदा नहीं था। 1845 में वो पहली बार एक कंपनी के तौर पर लोगों को ट्रेन से इंग्लैंड के बाहर स्कॉटलैंड ले गए। और उसके बाद 1851 में कुक की ट्रिप और बड़ी हो गई, जब उन्होंने प्रिंस अल्बर्ट की महान प्रदर्शनी के लिए करीब 1.5 लाख लोगों के सफर की व्यवस्था की। 1865 में उनकी कंपनी पहली बार ब्रिटेन के बाहर निकली और लोगों को पेरिस का टूर करवाया। 1868 में कुक कूपन सुविधा सामने लाए, जिसमें ग्राहकों को कैश के बजाय होटल में खाना और अन्य सुविधा मिल सकती थी। 1872 में कंपनी पहली बार वर्ल्ड टूर का ऑफर लेकर आई और 222 दिन की 29,000 किलोमीटर के इस टूर की कीमत कंपनी ने 300 पाउंड रखी। 1919 में थॉमस कुक पहली कंपनी बनी जिसने सैलानियों को पहली बार हवाई यात्रा से टूर करवाया। इसके बाद ये कंपनी पूरी दुनिया में छा गई, लेकिन अब ये बंद हो चुकी है। अमर उजाला.com